नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बीजेपी की फायर ब्रांड और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का गंगा प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो गंगा को स्वच्छ बनाने को लेकर काफी समय से लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुई उमा भारती इन दिनों ऋषिकेश में है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उमा भारती ने ट्विटर पर गंगा के किनारे रेत पर लेटे हुए अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने साथ गंगा के होने की बात कही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं आज गंगा की गोद में लेती हूँ। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चलें गंगा की लहरें। फोटो में उमा भारती सिर पर तकिया लगाए गंगा के तट पर रेत में लेटी हुई है। माना जा रहा है कि उमा भारती आइसोलेशन पीरियड पूरा होने के बाद गंगा मैया के दर्शन करने पहुंची थी। आपको बता दें, 26 सितंबर को बीजेपी नेता उमा भारती को कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था। 3 अक्टूबर को उमा भारती ने ट्वीट कर कहा था, मुझे कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुए 8वां दिन है। 5 दिन मैं ऋषिकेश में रही, वहाँ सभी तरह के टेस्ट हुए और दवाइयाँ ली गई। अब मुझे 11 दिन आइसोलेशन में रहना है, यही डॉक्टरों का निर्देश है। अपने अगले ट्वीट में उमा भारती ने बताया था, इस वजह से मैं 3 अक्टूबर को वंदे मातरम कुंज आ गई हूँ। ये कुंज हरिद्वार और ऋषिकेश के घने जंगलों में गंगा जी के किनारे है। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा था, 11 दिन अब मुझसे कोई नहीं मिल सकता, मेरे पास फोन भी नहीं है। एम्स ऋषिकेश और पौड़ी जिले का चिकित्सक दल मुझ पर नजर रखे रहेगा। अब लग रहा है कि उमा भारती का आइसोलेशन पीरियड पूरा हो गया है और उसके बाद वो गंगा मैया के किनारे लेटी नजर आई। आपको बता दें कि हाल ही में उमा भारती ने हाथरस केस को भी लेकर यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।